बारिश हो रही होती है और बिजली कड़क रही होती है, तो अगर आप कार से ट्रैवल कर रहे हैं तो कार में ही रहिए। ऐसा इसीलिए एक घटना की वजह से, इस घटना को, इस फिनोमेना को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड। क्या मतलब समझते हो? कवच, है ना, दैट इज ऑल इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो दरअसल इस चीज को, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ज्यादा समझना भी नहीं है, बस थोड़ा सा एक आइडिया ले लेते हैं। ये एक क्या है, कंडक्टर। क्या है ये? कंडक्टर। और ये भी दरअसल कंडक्टर पूरा सॉलिड था, बट अंदर से क्या कर लिए हम, निकाल लिए। और स्फीयर है, कैसा है? स्फीयर। कैसा है? स्फीयर। स्फेरिकल कंडक्टर में से हम एक पोर्शन जो है, सर्कुलर पोर्शन, मतलब स्फेरिकल पोर्शन जो अंदर से निकाल लिए, तो अंदर से खाली हो जाएगा, तो कैविटी क्रिएट हो जाता है। कहते हैं ना दांतों में कैविटी है, तो कैविटी का मतलब एक होल क्रिएट हो जाना, है ना। तो ये इस तरीके का एक कैविटी क्रिएट हो गया है। अब जरा से बात ये है कि अगर बाहर वाला कोई पॉइंट है, बाहर वाला कोई पॉइंट है, तो अब बाहर वाले पॉइंट पे कोई चार्ज रख देंगे, तो ये चार्ज जो है वो अंदर वाले को कभी डिस्टर्ब नहीं करेगा, अंदर वाले को कभी डिस्टर्ब नहीं करेगा। बाहर वाले किसको छेड़ेगा? बाहर वाले को। बाहर वाले किसको छेड़ेगा? बाहर वाले। अरे बोलना पड़ेगा, बाहर वाले किसको छेड़ेगा? बाहर वाले को। और अंदर वाला का काम अंदर वाले से ही होते रहेगा, उसको बाहर से कोई लेना देना नहीं रहेगा। इसी बात को हम आपको डेमोन्स्ट्रेट करने जा रहे हैं। दरअसल इसको फिजिक्स की भाषा में फैराडे केज कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? फैराडे केज। और ये फैराडे केज जो है वो इसकी रक्षा करता है। और इस पूरे फेनोमेना को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। आई होप कि थोड़ा बहुत आइडिया आपको। ये जो है, ये क्लिनिक प्लस लाए थे 1 रुपया का, और उसी से सॉल्यूशन बनाए हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, कोई केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट नहीं करने वाला है। अरे ये दरअसल लग रहा है, क्यों हुआ? तो मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, समझ में आया कि ये इसमें मूवमेंट बहुत कम देखने को मिला, क्योंकि ये बहुत अच्छे से चार्ज भी नहीं हुआ और ये बहुत ज्यादा स्मूथ भी नहीं है। जितना ज्यादा स्मूथ सरफेस होगा, क्या इसका मूवमेंट उतना ही ज्यादा अच्छा होगा? क्योंकि फ्रिक्शन नहीं मिलेगा ना। क्या मेरी बात क्लियर हो रहा है? कि एक बबल के अंदर दूसरा बबल बनाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल फैराडे केज हो जाएगा ना। बाहर वाले के अंदर वाले को प्रोटेक्ट करना चाहिए, और ये बात ये सिद्ध कर देगा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। यस सर। एक्सपेरिमेंट खत्म होगा तो इस बच्चे की मेहनत के लिए ताली बजा देना यार। हाँ सर, अच्छी हो। यस सर। देखो देखो देखो, पर अंदर वाले में कुछ भी नहीं।